क्योंकि मुलजिम है नहीं जिसने बड़े जिगर से ये केस जीते हैं, लड़ाए हैं और हम कुछ नहीं कर पाए हैं। बस उसका आखिरी पॉइंट यही था और वही हमें चाहिए, अब और कुछ नहीं चाहिए। हमें बस यही चाहिए। मेरी बहन ने ये बोला है कि भैया ये पांच नाम इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए। हमने कहा नहीं रहेंगे, बस यही है और कुछ नहीं है। सरकार की तरफ से कोई आश्वासन मिला है अभी तक आपको? सर उन्नाव में बहुत से ऐसे मामले देखने को मिले हैं, ये भी देखा गया कि चार छः महीने में 800 से अधिक रेप और इस तरह की घटनाएं उन्नाव में हो रही है। अगर इस तरह से नहीं, अगर इस तरह से होता रहेगा तो हमने आपको पहले भी बताया कि फिर इस देश को कोई नहीं बचा पाएगा, खंडक से कोई नहीं बचा पाएगा, इसका इस दुनिया से नामो निशान मिट जाएगा, ये हमको पूर्ण विश्वास हो जाएगा अगर ऐसा नहीं हुआ तो। और हो गया तो आशा रखेंगे आने वाली पीढ़ी रखेंगे, नहीं कुछ होगा। बस योगी सरकार से आपकी क्या मांग है? सर यही मांग है, योगी सरकार, मोदी सरकार, कोई भी सरकार हो, पूरे देश से हमारी बस यही मांग है कि मेरी बहन इस दुनिया में नहीं है तो मुलजिम ये पांचों के नाम इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए। बस कल जिस तरह देखने को मिला कि इनकाउंटर कर दिया पुलिस ने, तो क्या वो इनकाउंटर से पूरा कानूनी प्रक्रिया आप चाहते? जैसे भी हो, बस अरते नाम नहीं रहना चाहिए इस दुनिया में, बस और कुछ नहीं। एक आखिरी बार जब आप गए अंदर तो क्या कोई बातचीत हो पाई है? नहीं, आपको जानकारी कब मिली कि आपकी बहन नहीं रही? हमको जैसे हम सामने बैठे थे आईएसयू में, तो डॉक्टर सामने बैठे थे तो कहने लगे, जब मैं अंदर, क्योंकि मैं अंदर जा नहीं सकता था, गेट पे खड़ा था, चुपके से देख रहा था कैसे क्या है, तो डॉक्टर साहब ने कहा कौन? अच्छा आप हैं? हमने कहा सर कुछ उम्मीद है? कहने लगे हम आपको तो बता चुके, दो दिन पहले बताए थे जितने आए थे। नॉर्मल आईसीयू में इंसान क्यों रखा जाता है और दिल्ली क्यों भेजा गया, लखनऊ क्यों नहीं रखा गया, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आईसीयू का मतलब है नामुमकिन, समझ रहे हो, इसीलिए आईसीयू में रखा गया है। और हम ये जानते हैं कि जिस दिन रखा गया था, अगर ये पाइप के द्वारा अगर नली नहीं होती तो, लेकिन हम तो गले मिले हैं ना, तो हमको तो मालूम था ना कि इसको अभी जान है, इसलिए उम्मीद थी कि ये बचेगी, लेकिन नहीं। आईसीयू का मतलब बस यही है नामुमकिन, और यही हमारी सबसे करारी हार है, और इसीलिए हम शर्मिंदा हैं कि जिसको जाना था वो आपसे बात कर रहा है और जिसको रहना था वो इतने है नहीं। ये है सच्चाई, ये है। I'm joined by my colleague Ayushmann Kumar, who's outside Safdarjung Hospital. He's been tracking this story for us through the day. Ayushmann, so we can see very strong words coming out from the victim's brother, who spoke to the media earlier today and essentially saying that it was his sister's last wish that there should be capital punishment for the accused. Because we have seen, Ayushmann, in this case, it's not just, I mean, of course, the brutal attack on her last Thursday, but the family has in fact been suffering since last year because the victim had been repeatedly raped. Then she was gang raped last year in December, but till March this year, that FIR was not even taken by the police. That case was not even taken by the police. Finally, an FIR was lodged. And now when the accused got out on bail, he attacked her, and that attack has eventually led to her death. Yes, Tanima, as of now, when we are talking, the post-mortem has begun in Safdarjung Hospital. And clearly, like you narrated, this is the situation in Uttar Pradesh's Unnao, where we have seen repeated incidents coming to light. Right now, we are in outside Safdarjung Hospital. Just to tell you what has happened, the post-mortem is going on inside. Heavy security deployment is out here. In the meanwhile, the DM of Ghaziabad, ADM of Ghaziabad, SSP Ghaziabad is present inside. They are saying that the victim's family have told them that they would be taking the road route to go to Unnao. It is also expected that Priyanka Gandhi Vadra will also be meeting the family today. Meanwhile, the Chief Minister of Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, has written and he has given his statement. He is saying it is extremely sad and a fast track court will be made. Mayawati has now commented on it. But all said and done, Tanima, we know that the victim who could have been saved because of the apathy from the police officials in
Uttar Pradesh. She is no more. And right now, the ambulance is waiting outside. The body will be taken via road. There will be ambulances. And the family has told to the DM that they would be taking the road route. So mortal remains will be taken via road once the post-mortem is completed. Right now, the post-mortem is also being videographed, Tanima. And as we speak right now, the post-mortem is on. And the senior officials from Ghaziabad and Uttar Pradesh are inside Safdarjung Hospital. We will come back to you right now on another breaking update on this story.